हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटरोला एज 30 फ्यूजन एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है पासवर्ड लॉक को सेट कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे, ठीक है। और ये पासवर्ड लॉक जो है सेट करने के बाद आपकी ये सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन करना है और आपको नीचे की साइड में आना है, ठीक है। नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, सिक्योरिटी पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी के इस पेज में नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक का ये ऑप्शन मिलेगा, स्क्रीन लॉक पर आपको इसे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज में ये पासवर्ड का ये ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। पासवर्ड पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि आपको कम से कम आपको यहाँ पे 4 कैरेक्टर आपको यूज करने हैं, ठीक है। चाहे वो काउंटिंग के होंगे चाहे वो लेटर्स के होंगे, ठीक है। आपको 4 कैरेक्टर यूज करने हैं। आप 4 कैरेक्टर से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप जो है यहाँ पर 4 कैरेक्टर से अगर आप कम यूज करेंगे तो आपका ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, पासवर्ड। तो यहाँ पर जो है मैं रैंडमली यहाँ पर जो है 1 2 3 4 डाल देता हूँ और इसे आपको जो है नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको री एंटर करना है अपना पासवर्ड, जो आपने पहले पासवर्ड यहाँ पे डाला था वही आपको दोबारा से डाल देना है, ठीक है। और आपको इसे कंफर्म के बटन पे सिलेक्ट करना है। इसके नेक्स्ट पेज में आपको ये नीचे की साइड ये डन का ऑप्शन मिलेगा, डन पे आपको सिलेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन लॉक के नीचे पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से आपका पासवर्ड लॉक सेट हो जाता है आपके मोबाइल फोन पे। अब ये सेटिंग जो है सेट होने के बाद काम कैसे करेगी, जब भी आप अपने फोन की स्क्रीन को लॉक करेंगे फिर स्क्रीन को ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पासवर्ड लॉक लगा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वही पासवर्ड डालना है जो आपने सेट किया था। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल फोन अनलॉक हो जाता है, ठीक है। तो ये सेटिंग इस तरीके से काम करेगी सेट होने के बाद। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपके मोबाइल फोन में। आपको सेटिंग पेज ओपन करना है फोन का और आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, सर्च सेटिंग पर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है स्क्रीन लॉक। स्क्रीन लॉक टाइप करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा स्क्रीन लॉक का, सिक्योरिटी के साथ लिखा हुआ, इसे सिलेक्ट कर लेना है। इससे होता क्या है कि आपका मोबाइल फोन जो है आपको डायरेक्टली इस सेटिंग पेज में लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को इस तरीके से हाईलाइट करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।